मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील में 14 जून को सुसनेर नगर के पुराना बस स्टैंड स्थित उत्कृष्ट स्कूल के पुराने भवन में 18 से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया और साथ ही वैक्सीनेशन केंद्र का बीएमओ मनीष कुरील ने निरीक्षण किया और साथ ही केंद्र में किए जा रहे वैक्सीनेशन की जानकारी ली। इस अवसर पर बीएमओ के साथ अस्पताल के कर्मचारी बीपीएल दौलत मुजाल्दे आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से कुकड़ी न्यूज संवाददाता गिरिराज बंजारिया की रिपोर्ट। तो वहीं कन्नौज में भी प्रतापगढ़ के एबीपी न्यूज चैनल के जिला संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही। उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों में भी पत्रकारों द्वारा न्याय के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा। वहीं कन्नौज में पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पत्रकार हत्या की सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की और पत्रकार हितों के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज आप लोगों द्वारा एडीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के हमारे पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव जी की शराब माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या की गई, जिसको प्रशासन द्वारा हादसा बताया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने उसको हत्या में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरी बात है, चूँकि शराब माफियाओं का मामला है, चूँकि ये दबंग टाइप के लोग होते हैं, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, जिससे निष्पक्षता सामने आए। और दूसरी बात, पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, तथा साथ ही सबसे बड़ी जो मांग हमारी है कि पत्रकार अपनी खुले मन से अपना काम ही नहीं कर पा रहे, इसके लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए प्रदेश में, जिससे पत्रकार अपने खुले मन से अपनी निष्पक्षता रूप से काम कर सके। शुभ नाम? मनीष दीक्षित, पत्रकार सहायता जिला एसोसिएशन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर नगर के थाना लाइन बाजार क्षेत्र के डीएम आवास के सामने करीब 2:30 बजे दो गुटों में तीखी झड़प हो गई। इस दरमियान एक युवक ने गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन युवक को गोली लगने से मिस हो गई। आपको बता दें कि वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।